एवरीवन, वेलकम एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक रिसेंटली लॉन्च्ड बट काफी फेमस सनस्क्रीन का रिव्यू, जो है फ्रॉम ब्रांड एक्वालॉजिका। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो शेयर करूंगी। डेमो इसलिए शेयर करूंगी ताकि आपको इस प्रोडक्ट के लाइव रिजल्ट देखने को मिले। साथ ही मैं इस प्रोडक्ट में काफी सारे क्लेम्स किए गए हैं, काफी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो अपने क्लेम्स के अकॉर्डिंग ही किस टाइप सा वर्क करता है। और इस सनस्क्रीन को यूज करते मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो एक महीने में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इस प्रोडक्ट ले, इन्हीं सब टॉपिक्स पे होगी आज की वीडियो। लेकिन इन सभी टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बात जानना काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। सनस्क्रीन हमारी स्किन को सन की हार्मफुल रेस यानी कि यूवीए एंड यूवीबी रेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई ना करें तो हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इरिटेशन एंड स्किन का झुलस जाना, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हमने फेस करना पड़ता है अपनी स्किन पे। साथ ही मैं सनस्क्रीन को लंबे टाइम तक यूज नहीं करने से बहुत बार स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सनस्क्रीन को अप्लाई करने का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है कि जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करो तो सनस्क्रीन को हर तीसरे घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हर तीसरे घंटे में रीअप्लाई करते रहिए। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, यानी कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। सो उसके फ्रंट पे लिखा है एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन, पपाया एंड विटामिन सी का यूज किया गया इसमें, जो स्किन को ब्राइट एंड हाइड्रेट करता है। इसमें एसपीएफ 50 प्लस, पीए ट्रिपल प्लस का यूज किया गया है। साथ ही में सनस्क्रीन स्किन को यूवीए एंड यूवीबी की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। इसमें यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यानी कि काफी सारी सनस्क्रीन ऐसी होती है जिन्हें अप्लाई करने के बाद स्वेटिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद आपको स्वेटिंग की ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिसमें इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम एंड इसका प्राइस है 399, विच इज रियली रियली गुड अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क। तो इसके काम के अकॉर्डिंग, जिस टाइप से ये काम करता है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस एकदम ठीक है। लेकिन ये सनस्क्रीन को अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू बाय करें तो मे बी आपको ये 300 अराउंड इजीली बैठ जाए। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट 24 मंथ्स के लिए, यानी कि आप इसे 2 साल इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसके साइट पे सनस्क्रीन के बारे में कुछ चीजें लिखी गई है कि किस टाइप से वर्क करता है। ये सनस्क्रीन स्किन को यूवीए, यूवीबी एंड ब्लू रे से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में इसमें लिखा गया है कि ये स्किन को सन टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करती है। ये स्किन को काफी अच्छा हाइड्रेशन ग्लो प्रोवाइड करती है एंड ये एक नॉन स्टिकी एंड लाइट वेटेड फॉर्मूला है। सो यार, डेफिनेटली ये सनस्क्रीन स्किन को सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करती है, साथ ही में स्किन को काफी अच्छा ग्लो एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है एंड ये एक लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। सो इसके नीचे पे लिखा है इसको यूज करने का तरीका। अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन क्लीन फेस, नेक एंड अदर एक्सपोज्ड एरिया एवरी 6 आवर्स फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन। इस सनस्क्रीन को आपने अपने क्लीन फेस एंड नेक में अप्लाई करना है एंड बॉडी का वो पार्ट जो सन में एक्सपोज होता है वहाँ पे आपने ये सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। एंड इसमें लिखा है कि इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए आपने इसको 6 आवर्स में रीअप्लाई करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सनस्क्रीन अप्लाई करने का एक मेन रूल होता है कि उसको हर तीसरे घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इस सनस्क्रीन में लिखा है कि आपने इसको हर 6 घंटे में रीअप्लाई करना है। लेकिन नहीं, आपने हर तीसरे घंटे में रीअप्लाई करना है। अगर आप ज्यादा धूप में नहीं जाते या फिर आप ऐसे मौसम में हैं जैसे कि मॉनसून्स हो गया, विंटर्स हो गए, इनमें धूप काफी कम पड़ती है, तो उस टाइम आप इस सनस्क्रीन को हर 6 घंटे में रीअप्लाई करना। लेकिन जब आप प्रॉपरली सन की प्रोटेक्शन में आते हैं, आपकी बॉडी सन में एक्सपोज होती है, तो आपने हर 3 घंटे में इस सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। सो इस सनस्क्रीन में इसके कॉशंस भी दिए गए हैं कि अवॉइड करना है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ आईज। अगर बाय मिस्टेक ये आंखों में चले जाए तो आपने नॉर्मल वाटर की हेल्प से उसको क्लीन कर लेना है। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको स्किन पे एलर्जेटिक हो सकते हैं, तो आपने एक बार इसको पैच टेस्ट करना है। ये इसमें स्पेशली रेकमेंड किया गया है कि आपने एक बार जरूर इसका पैच टेस्ट कर लेना है इसको यूज करने से पहले। सो इस प्रोडक्ट में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी। जो मेन है मैं आपको वो बताती हूँ। सो इसके अंदर इन्होंने ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, हाइलोरोनिक एसिड, सनफ्लावर सीड ऑयल, पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा बार्बाडेंसिस का इन्होंने इसमें यूज किया गया है।
साथ ही में इन्होंने विटामिन सी का भी इसमें यूज किया है। सो इस सनस्क्रीन में काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने यूज किया है जो स्किन को हाइड्रेट, प्रोटेक्ट एंड ग्लो इफेक्ट देने में हेल्पफुल रहता है। और इस सनस्क्रीन पे इन्होंने किसी भी टाइप के हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, लाइक पैराबीन, फैलेट्स, मिनरल ऑयल एंड सल्फेट्स इन्होंने इस सनस्क्रीन में यूज नहीं किया गया है। एंड ये प्रोडक्ट वीगन होने के साथ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, यानी कि ये स्किन के लिए सेफ प्रोडक्ट है। सो इसके साइट पे साइंस ऑफ एक्वापोरेंस दिया है, यानी कि इस सनस्क्रीन को बनाने के लिए किस टाइप से साइंस का इसमें यूज किया गया है। सो इसे यूनिक वाटरलॉक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और इसमें क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है एंड इसमें एक्वापोरिन वाटर का यूज किया गया है जो स्किन को काफी अच्छा इंटेंस हाइड्रेशन लुक प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके नीचे पे एक और चीज मेंशन की गई है, ब्लेंड ऑफ नेचुरल फ्रूट प्लस एक्टिव्स का इसमें यूज किया गया है। सो इसके नीचे पे लिखा है, द पावर ऑफ थ्री इन मी, अवर केयरफुली क्राफ्टेड एंड वेल रिसर्च्ड ब्लेंड ऑफ पपाया, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड गिव्स अ रेडिएंट ग्लो टू योर स्किन, मेकिंग द हाइड्रेट एंड ब्राइट फ्रॉम विद इन। तो इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने यूज किया है, पपाया, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन को एक रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में स्किन को हाइड्रेट एंड ब्राइट करने में हेल्पफुल रहता है। सो आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे QR कोड भी दिया है इसको स्कैन करने के लिए, ताकि आप इस प्रोडक्ट के बारे में पता कर सके कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का रियली में वर्क करता है, इसको बनाने के लिए किन सब चीजों का यूज किया है, दे आर नेचुरल और नॉट, ये और कितना इफेक्टिव है स्किन के लिए। इसके लिए बैक साइड पे एक QR कोड भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। बात करें अब इसके अंदर के प्रोडक्ट, यानी कि इसके मेन प्रोडक्ट सनस्क्रीन की। सो इसे ओपन करने के लिए ना इन्होंने काफी अच्छी पैकेजिंग अंदर से भी प्रोवाइड कर रखी है, ताकि ये सनस्क्रीन बाय मिस्टेक भी इसकी कैप ओपन ना हो। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट सनस्क्रीन, और इसकी इनर पैकेजिंग यानी कि सनस्क्रीन में भी वो सारी बातें मेंशन की गई है जो इसकी कार्डबोर्ड टाइप पैकेजिंग में मेंशन की गई थी। तो बात करें अगर इस सनस्क्रीन की, सो ये काफी अच्छी प्लास्टिक की क्लासी पैकेजिंग में आता है एंड लुक्स वाइज भी ये काफी क्यूट एंड अट्रैक्टिव लगता है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसका साइज, ये इजीली आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जा सकते हैं। बात करें अगर इसके टेक्सचर की, सो इस टाइप से ओपन होता है एंड यहाँ पे आपको एक इसका पंप देखने को मिलेगा जिससे सनस्क्रीन आती है। एंड मैं इतनी सनस्क्रीन ले रही हूँ एंड आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी व्हाइट कलर का है, जेल काइंड ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है एंड काफी स्मूथ इसका टेक्सचर है, एज यू कैन सी इसका टेक्सचर। बात करें अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसमें किसी भी फ्रेग्रेंस का यूज नहीं किया गया है, सो इससे बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। अगर हम इसे अच्छे से ब्लेंड करें तो आप देख सकते हैं इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें कोई सी भी व्हाइट कास्ट नहीं है, आप देख सकते हैं, एंड काफी अच्छा ग्लो एंड ड्यूई फिनिश आ गया है मेरे स्किन पे, आप देख सकते हैं। सो ये एक लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू, अब इसके लाइव रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डेमो। सो अब मैं यूज कर रही हूँ एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन एंड मैं इसकी दो पंप अपने हाथ में ले रही हूँ और उसे जेंटली अपने फेस रहता है। सो इस सनस्क्रीन की एक बेस्ट बात है जो इस सनस्क्रीन को बाकी सनस्क्रीन से यूनिक बना देता है, वो है इसकी कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये किसी भी टाइप की व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, जो इसकी बेस्ट बात है। और एक इंडियन स्किन टोन है जिसमें आपको काफी सारे टोन्स देखने को मिलेंगे, काफी सारे स्किन टोन्स देखने को मिलेंगे, तो ये इंडियन स्किन टोन के लिए बेस्ट है ये सनस्क्रीन। सो इंडियन स्किन टोन के लिए सनस्क्रीन बेस्ट है क्योंकि ये किसी भी टाइप की व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता।
सो ये सभी स्किन टोन को सूट करता है। लेकिन इस सनस्क्रीन की इतनी सारी अच्छी बातें, तो इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होता है किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का। सो इस सनस्क्रीन का भी एक ड्रॉबैक है, ये सनस्क्रीन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन ये सनस्क्रीन मैं ऑयली स्किन टाइप को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जैसा कि इसके फ्रंट पे लिखा है यूनिक वाटरलॉक टेक्नोलॉजी, इसमें यूनिक वाटरलॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसका मतलब होता है कि स्किन पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि जो भी फेस में जितना भी वाटर आता है यानी कि स्वेट, वो स्किन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में हमेशा टी जोन एरिया ऑयली रहता है एंड फेस का बाकी एरिया ड्राई रहता है। तो जब मैंने इसको यूज किया तो एक घंटे के अंदर मेरे फेस में स्वेटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा स्वेट मेरे फेस से आना स्टार्ट हो गया था। हालांकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है बट फिर भी उसमें इतनी ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इसे अप्लाई करने के बाद एक घंटे के बाद मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्ट। सो इसी रीजन से मैं ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन को रेकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली फॉर समर्स। बट हाँ, आप इस सनस्क्रीन को विंटर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में उतनी ज्यादा सीबम एंड स्वेट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है किसी भी स्किन टाइप को। तो आप इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं फॉर विंटर्स, और इसके अलावा सभी स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव, कोई भी स्किन टाइप से आप रिलेट करते हैं, आप इसे हर सीजन में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो एकोलॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन पे, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।